साल 2018 में नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली के ब्रेकअप ने सभी को चौंका दिया था। नेहा के फैंस के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन अब नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। हालांकि इससे निकलने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब नेहा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो चुकी हैं, जिसका सबूत खुद नेहा ने अपने फैंस के साथ शेयर किया है। दरअसल नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की है और नेहा ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, बहुत धन्यवाद, आई लव यू, आप सभी जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। मेरा साथ देने के लिए और इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो स्टोरी भी पोस्ट की हैं, जिसमें से एक तस्वीर में उन्होंने लिखा है कि जब आप सिंगल होते हैं तो रात को जल्दी सोते हैं, और दूसरी में नेहा ने लिखा है कि जब आप सिंगल होते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं और खुद को टाइम दे पाते हैं। आपको बता दें कि हिमांश से ब्रेकअप के बाद उन्होंने कई बार अपने दिल की बात फैंस के साथ शेयर की थी, जिसके बाद वो काफ़ी इमोशनल भी हुई। लेकिन अब नेहा हिमांश को भूल चुकी हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि एक इवेंट में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नेहा ने कहा था कि कौन हिमांश कोहली, मैं किसी हिमांश कोहली को नहीं जानती। फिलहाल बात करें नेहा की प्रोफेशनल लाइफ की, तो वैलेंटाइन डे से पहले नेहा अपने भाई टोनी कक्कड़ के कुछ कुछ होता है म्यूजिक वीडियो में एकदम अलग अंदाज में नजर आ रही हैं, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो नेहा के फैंस, आपको इस वीडियो में उनका ये अंदाज कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।